ये ट्रक इस पुल से गुजर रहा था और आज करीब 11 बजे ये पुल ट्रक का लोड सहन नहीं कर पाया और नदी में गिर गया। क्योंकि ट्रक धड़ाम से नीचे नहीं गिरा इसलिए चालक सुरक्षित है। तस्वीरें NH 505 लोसर और काजा को जोड़ने वाले पुल की है, जिसके बाद यातायात को चिचोंग गांव से डायवर्ट किया गया है। ट्रक में 2 लोग सवार थे, उन्हें हल्की चोटें आई है। स्पीति का ये चिचोंग पुल लोसर और काजा को जोड़ता है। उधर विधायक अनुराधा राणा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर जानकारी दी कि स्पीति का चिचोंग पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। तत्काल BRO के OC से बात हो चुकी है। मौके पर 2 OIC रवाना हो गए हैं। डंपर में मौजूद व्यक्ति सुरक्षित हैं और ये हादसा अधिक लोड के कारण बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए ट्रैफिक को कियामो पुल के द्वारा डाइवर्ट किया गया है और BRO जल्द ही कलवर्ट बनाने का काम आरंभ करेगी ताकि स्थानीय लोगों को समस्या ना रहे। श्री कृष्ण।